सावन माह में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर मंडल में की गई तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, IG जय नारायण सिंह, DM के विजय पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे माह चलने वाले बोलबम यात्रा में कांवरियों को हर सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। CM ने कहा कि काफ़ी संख्या में लोग बोलबम की यात्रा में जाते हैं, इसलिए सड़कों पर यातायात व्यवस्था, ट्रेनों में तथा अन्य स्थानों पर इनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएँ, जिससे इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न उठानी पड़े। शिवरात्रि में मंदिरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। इसके अलावा सर जो मुख्य पर्व है वो 30 जुलाई को होगा और इसके अतिरिक्त सर फैजाबाद में श्रावण शुक्ल मेला जो है 3 अगस्त से 5 अगस्त है, वो 3 अगस्त से 13 अगस्त तक है सर। और इस की व्यवस्था वाराणसी